हो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय व्लॉग। और ये व्लॉग की स्टार्टिंग मैं काफ़ी अच्छे से कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है कि मैं कितनी ठंड है ऊपर यार। तुम्हें पता है कि मैं बहुत एक्साइटेड था इस व्लॉग को शूट करने के लिए, क्योंकि ये वन ऑफ माय फेवरेट नहीं बेस्ट फेस्टिवल है मेरा। तुम्हें पता है वो जो इन्फिनिटी वॉर वाले टोनी स्टार्क ने जब वो एबोनी माओ को मारने के लिए जब हल्क बाहर नहीं आ रहा था तब वो जो ग्लास पहने थे वो एकदम स्क्वायर टाइप, मुझे वैसे ग्लास कसम से बहुत पसंद है। मुझे वैसे ही ग्लास पसंद है, मुझे ना वैसे ग्लास पसंद है ऐसे आते हैं, ये शेड पसंद नहीं है और ना एकदम राउंड पसंद है। मुझे पसंद है तो एकदम स्क्वायर टाइप जो कि मेरे पास पड़े हुए हैं, पड़े नहीं है मेरे पास हैं, और पिंक कलर के हैं लेकिन मुझे बहुत पसंद है वो, तो मैं वो ही पहनने वाला हूँ। और वो पता है जब मैं छोटा सा था ना तब के हैं वो, और मुझे और कोई भी गॉगल्स पसंद नहीं है, तो मैं पहनूँगा तो तुम्हें दिखाऊँगा। बाय बाय। तो बोला होगा कि मैं नहाने जा रहा हूँ, नहीं मैं नहाया नहीं, मैं इतना एक्साइटेड हो गया ना हमेशा की तरह। मैं बोलता हूँ मैं नहाऊंगा लेकिन मैं एक आधे घंटा लेट कर सकता। अभी कितने बजे हैं? 9:06 हो गए हैं और अभी तक मैंने नहाया नहीं, तो मैं नहा रहा हूँ अब जाके पक्का वाला। और अभी मेरा ट्यूशन भी है 1.5 घंटे बाद, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। और बाय द वे तुम ये देखो, मैं जो तुम्हें बोल रहा था ये देखो बस तुम। ओए ओए बंद कर, ये देखो तुम, दिख रहा है? फोकस नहीं दे रहा मेरा कैमरा, पता नहीं क्या हो गया। ये तुम्हें शायद से पतंग दिख रही होंगी लेकिन बहुत सारी उड़ रही हैं। तुम्हें ये वो देखो, ये एरिया देखो तुम, इसमें पता नहीं क्यों नहीं कैप्चर कर रहा है बट बहुत सारी पतंग उड़ा रही हैं। और वो देखो एक वो है, और इधर साइड ने ज़्यादा नहीं उड़ रही हैं, पीछे इधर साइड बहुत सारी उड़ रही हैं। और ये मुझे को साइड ज़्यादा पसंद भी नहीं है, मुझे या तो ये साइड मिले बट ये घर आता है बीच में, ये साइड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि उस साइड यहाँ के भी लोग जो उड़ाते हैं वो इधर जाते हैं। और भाई बहुत सारी पतंग आती हैं, सही बता रहा हूँ। और मिलते हैं जब मैं तैयार हो जाऊँगा। टाटा। अभी क्या हुआ, मैंने पतंग उड़ाई तीन और तीनों की तीनों गई मेरी, बट मैंने तीन पतंग से छह पतंग काटी हैं जो कि बहुत बड़ी बात है। उनका डबल काटा है मैंने। और अभी तुम देख सकते हो कि मेरे पीछे एक लड़का है, वो है ये क्रिस्टियन है, इसका नाम एजल है और हम दोनों फ्रेंड्स हैं, एक कज़िन है वो मेरा एक तरह से। और अब नए बांध रहे हैं, मेरे को आते थे पहले पर भूल गया, सब भूल जाते हैं यार। अभी क्या बोलूँ, मेंटेलिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है तो सब भूल जाते हैं, 2-3 साल बाद सब प्रॉपर हो जाते हैं। लाइक ये हॉर्न था, एक सेकेंड, ये वाला हॉर्न था, मानता हूँ ये बहुत ज़्यादा लाउड है तो मैं बजा के दिखाता हूँ। लाइक बहुत ज़्यादा लाउड है ये और मुझे बहुत पसंद है। ये जो मास्क तुम देख रहे हो, गाना बहुत जोरदार बजा है लोगों ने, क्या दे दे दे, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड नो मैंने कैंडी। ये देख सकते हो ये कर लिया था लोगों ने, ये मेरा लाइफ का फर्स्ट मास्क है और इतना टट्टी है कसम बता रहा हूँ, बहुत बेकार लग रहा है। मेरा खुद का मास्क है पर वो नीचे है, फूक फूक के कैंसर हो जाएगा। ओए चुप, फूक फूक के कैंसर हो जाएगा अगर कसम से इन लोगों ने इतना फूका तो। अभी मैं अपना मास्क लेके आता हूँ, तुम लोगों को दिखाता हूँ।
तो इस वाले ग्लास की बात कर रहा था मैं, वाले शेड्स की, और ये रहा वो मेरा वाला मास्क, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसके कंपैरिजन में। और ये वाले ग्लास मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा पसंद है ये मुझे। इसमें मैं थोड़ा सा क्यूट भी लगता हूँ, मुझे पता है बड़ा अजीब लग रहा है, जो मेरी मूछें आई है ना थोड़ी बहुत बहुत अजीब है कसम से। अगर मैंने हटा दी तो मैं बहुत अच्छा लगूँगा, कसम से बहुत अच्छा लगूँगा। और अभी से निकालता हूँ, कुछ दिख नहीं रहा है जो भी मैं शूट कर रहा हूँ। मैं हूँ अमम। आई मीन ज़्यादा नाटक नहीं करता, मैं हूँ अमन। और ये वाला मेरा फेवरेट मास्क, मुझे बड़ा पसंद आया ये, उससे अकॉर्डिंग वो देखो मेरा वो मेरा कज़िन, देखना अभी ये देखो, ये मेरा कज़िन है, उसने वो मनी हाइस्ट वाला मास्क पहन के रखा है। एक बार हाई करना, एक बार ऑडियंस को हाई कर, हाई कर, हाई देखो, हाई भी कर रहा है वो। गाइस मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, आई एम ऑन द वे। और अभी पता है क्या हुआ, एक लड़का था पीछे, मुझे बड़ी गुस्सा आई उस पर, मैंने बोल दिया अंडी मंडी संडी जो यहाँ पे आया। उसने ज़ोर से चिल्लाया ए, मैंने फिर इसको इग्नोर किया और मैं फटाफट से तीसरे गियर पे लगा के आया उस साइकिल। एंड आई एम ऑन द वे, मेरा ट्यूशन आ चुका है, बाय बाय, ट्यूशन के बाद मिलते हैं। गाइस ट्यूशन ओवर हो गया है और घर जा रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल तो प्लान ये है कि थोड़ा सा खाना खाऊँगा, देन फिर पतंग चकाएंगे। ऑब्वियसली पूरा दिन पड़ा है यार, कल वैसे ट्यूशन की छुट्टी, और ये मेरा दोस्त है ट्यूशन में पढ़ता है, ये देखो ये हाय करो सर, हाय। और मेरे सर को, सर दिखाओ आपको, आप आओगे वीडियो में? नहीं, मेरा महंगा है। अच्छा सर, सही है मेरे सर, मान तो बहुत लंबे हैं लेकिन ऑब्वियसली अब व्यूज़ बहुत आने वाला है, ये सर बोल रहे हैं। बाय बाय गाइस, घर पे मिलते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ घर पे, और अभी जो ये उत्तरायण है अपने पीक लेवल पे, क्योंकि बहुत सारी पतंग उड़ रही हैं, और कल तो और ज़्यादा उड़ेंगी क्योंकि कल लास्ट डे है, तो कल ज़्यादा उड़ती हैं, एंड संडे भी है तो ऑफ कोर्स। सो मैं, ये देखो मेरे भैया पतंग उड़ा रहे हैं। ये जो डबल आँख वाली है ये हमारी है, ये देख पा रहे हो, ये वाली हमारी है, ये भैया उतार रहे हैं, ये उड़ा रहे हैं, आई मीन ये उड़ नहीं रही, पता है हवा नहीं चल रही है मेन टाइम्स पे, तो या मिलते हैं दूसरा। ये ईयरबड्स देख रहे हो मेरे, ये मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये इतने सड़ू से गाने बज रहे हैं ना, और कुछ कुछ टाइम पे तो बंद हो जाते हैं, नहीं गुस्सा आती है ना, मैंने इसलिए डाउनलोड करके रखे थे पहले से सॉन्ग्स, अच्छे से सुनूंगा, BGM में भी वही डाल दूंगा। यस सो गाइस, ये वाला शेड कैसा लग रहा है? ये मेरा दूसरा शेड है और अभी मिला है। ओके सो ये वाला मेरे भाई ने पहन लिया था तो उससे मांगा मैंने, ये वाला अच्छा लग रहा है फिर वो वाला, कमेंट करके बताना। वैसे तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये पूरा रेडिश कर देता है, जितना पूरा स्काई रेडिश लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इसे पहन के। वो वाला ब्लूइश कर देता था बट ये रेडिश कर रहा है, और अगर नॉर्मल डे हो ना तो ये एकदम रेडिश कर देगा पूरा। तुमको मैं दिखाता हूँ, रुको अगर कैमरे में पता चले तो। अभी देखना, अभी ये नॉर्मल स्काई है ठीक है, और ये देखना इसके, ये पहनने के बाद ये देखना, अभी थोड़ा सा दिखेगा रेडिश हो गया देखो पूरा, है ना, ये पूरा रेडिश कर देता है, तो इसलिए मुझे काफ़ी पसंद है। गाइस आज का नाश्ता देखो, खिचड़ी भी थी लेकिन उन्होंने नीचे खा ली, अभी थम्सअप भी आएगी, ये ले आया मेरा भाई, ये थम्सअप भी है, ये थम्सअप भी है अभी, और अभी थोड़ी पार्टी करेंगे। और अभी यह समोसा है, और इसको मैंने क्रश करके इसमें चटनी में मिलाया। सो ये क्या कर रहे हो मम्मी? अभी और सामान लाई है खाने का, ये और खाने का लाई है अभी, और अपन लोग पार्टी कर रहे हैं, और यहाँ पे मेरे भाई बैठे हैं, और समोसे की पार्टी कर रहे हैं अपने लोग। हाँ पूरे 2 लीटर की बोतल है अभी, दुकान लगा लिया। अभी तो दुकान पे भी ठंडी थी बोतल, और अभी आके फ्रिज में भी रख दी थी ये बोतल, तो मैं खा के बात करता हूँ। थम्सअप हाय करो, हाय करो, हाय। मज़ा ख़त्म हो गया मेरा।
सिर्फ यही कटी है उंगली। अभी मैं बोला रहा था तो पूरा अंदर तक पूरी कट गई उंगली। जबकि मैं टेप लगाया था तो पूरा टेप भी कटा और अंदर तक भी चली गई। ऑस्ट्रेलिया का देख रही हो उसके वो जो साइन लगा। और फिर हमारी जो फिरकी है वो हम लोगों ने भरवाई नहीं है, वो बरेली वाली है 5000 वाट की। मैं शायद तुम्हें सुबह सुबह बताया था। अभी पीक टाइम नहीं है, पीक टाइम होगा शाम को। शाम को 4-5 बजे यहाँ पे बहुत सारी पतंग उड़ती हैं। सबसे ज़्यादा पतंग तभी उड़ती हैं। क्योंकि बाय लक किसी का जॉब हो तो शाम तक वो आ भी जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं आता है कि छुट्टी होती होती है, कोई भी पोस्ट में नहीं होती है। तो फिर जो लोग नए जॉब जाते हैं तो आने के बाद उड़ाते हैं यहाँ पे लोग। लाइक अभी देखो अभी और पड़ी हुई है वो बोतल है ना, और पड़ी हुई है। मैं एकदम चिल हो के बैठा हुआ हूँ। पापा है तो पूछ रहे, शोइंग पूछ रहे थे। शोइंग का मतलब क्या होता है? कोई नहीं, बात में क्या हो गया? अरे वो चाचा की पता है, ये जो मेरे चाचा आए हैं ये जो दिख रहे हैं आने वाले, ये कुछ पूछ रहे थे शोइंग करके कुछ। अब पता है मैं हूँ तो मुझसे कुछ क्रेजी होता है तो मैं आपको क्लिप देता हूँ। अगेन है मत कर अगेन थम्स अप ब्रेक। एंड मेरे दोस्त होते तो ज़्यादा अच्छा था। आई मीन आशु होती, तक्ष होता और बहुत लोग हैं मेरे दोस्त, वो होते तो और अच्छा लगता। और बाय द वे अभी थोड़ी बहुत चक्रियाँ पता, क्योंकि अभी जो है हवा का प्रेशर बहुत कम है। बट मैंने सही बताऊँ तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक राउंड वाली एक पतंग थी, वो मैंने बहुत ऊंची चका दी थी। और मैं बताऊँ सच में उससे मैंने तीन पतंग काटी। और मेरे हाथ का हाल देखो, ये यहाँ पे ना मैं कट गया बहुत गंदा वाला, इसलिए मेरे को फिर करना पड़ा। और मैं बताऊँ भाई चाचा पतंग उड़ाने में बिजी है। और चाचा पतंग उड़ाने दो उनको, चाचा मत करो। यार बहुत मज़ा, ओए बस बहुत मज़ा आ रहा है यार। जब मैं छोटा था तो व्लॉगिंग करता था, बंद कर। जब मैं छोटा था तब मैं व्लॉगिंग करता था। और अभी मैंने उस टाइम से अभी सिर्फ कर रहा हूँ मैं व्लॉगिंग। मतलब उस टाइम करता था बचपन में तो फालतू की बातें बोलता था, और अभी कर रहा हूँ तो भी फालतू की बातें बोल रहा हूँ। और देन या अभी शाम को मैं मिलता हूँ आप लोगों से, क्योंकि अभी पतंग वतंग भी नहीं उड़ रही है। और जितनी भी सो ये है मेरा हाल कुछ पूरे दिन उड़ाने के बाद। कितने बजे हैं अभी? 3:30 हुए। एंड अभी मैं अपने फ्रेंड के घर आया हूँ, ये मेरा फ्रेंड है। और अभी तो थोड़ा आराम कर रहे हैं क्योंकि सुबह से उड़ाए जा रहे हैं हम लोग। ये थोड़ा कम उड़ा रहा है आज, इसका पता नहीं मूड सा ऑफ है कुछ नहीं। आई मीन ये भी उड़ा रहा है लेकिन इनकी छत थोड़ी हमसे छोटी है चौड़ाई में। वैसे तो लंबी तो सेम ही है बट चौड़ाई में थोड़ी सी छोटी है, तो यहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं मेरे घर, देखो अपने घर पर उड़ाने में मज़ा आता है, दूसरों के घर पर नहीं।
मतलब इनका भी है सही उड़ाने का, इनको अपने घर पे फाता है और मुझे अपने घर पे फाता है क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए पतंग उड़ाने के लिए, दैट्स वाई। सो कुछ नया हो तो एंड हाँ, और ये देखो पूरी उंगली का क्या हाल, इस पर मैंने आई थिंक 10 to 11 राउंड्स मारे हुए हैं टेप के, क्योंकि 3 बार पूरा अंदर तक काट दिया था इसने। एंड देन ये देखो इसका भी ऐसा कुछ ऐसा ही हाल है, ये तो मैंने 3 राउंड मारे हुए हैं। और ये मेरे दोस्त की उंगलियाँ देखो गाइस, देखो दिखा दो, ये देखो इसने दोनों में बांध रखा है। पता है मेरे में मेन रोल क्या है, मैं इसमें इससे और इससे और इससे इससे खींच मारता हूँ, इसमें कुछ नहीं होता है क्योंकि ये इसकी स्किन थोड़ी सी हार्ड है। एंड इसमें मेरे को आज बहुत लगी, ये भी कटा, लेकिन जितना मैंने पहले काटता था, जितना मेरी पहले कटती थी उंगली पागलपन में, तो उतनी इस बार नहीं कटी है, थैंक गॉड कि अब मैं सही से लिख तो भी पाऊँगा। पहले मैं काट लेता था तो मेरी ग्लास निकाल देता, पहले मैं काट लेता था तो भी तो मैं लिख नहीं पा रहा था, मैं इतना क्रेज था तब, बट खींचा खींच खींचा खींच, पतंग उड़ानी आती नहीं थी, बस खींचता रहता था, हाथ कट जाता था बार बार। तो अभी पागलपंती थोड़ी सी कम करी है, मेंटालिटी चेंज हो गई है, थोड़ा तमीज़ से उड़ाते हैं। और मैंने आज 14 पतंग काटी हैं और पापा ने 7 काटी हैं, वो भी सिर्फ 1 घंटे में पापा ने 7 काटी जब मैं ट्यूशन गया था, और अभी आके मैंने 14 काटी, अभी तक मैंने 14 काटी हैं। और अभी मैं और उड़ाऊँगा शाम के 5, 5:30 या फिर 6 बजे तक हम लोग अभी उड़ाने वाले हैं, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है यहाँ पे। तो या मिलते हैं कुछ क्रेजी चीज़ हुई तो। सो अभी एक सीन हो गया, अभी मैं पतंग उड़ा रहा था और ये एक घर है बहुत बड़ा, उसका एक बच्चा सुबह से मेरी पतंग बार बार मुँह से तोड़ के काट देता था। मैंने उसको 5 बार इग्नोर किया, 6 बार इग्नोर किया, और हमारे पड़ोस में एक अंकल हैं, उनकी भी वो काट रहा था। अभी हुआ क्या, हमारी लड़ाई हुई उससे। देखो अब क्या हुआ ना, गलती सारी उसकी है, उसके माँ बाप उसको कुछ सिखाते नहीं हैं। अभी मैं गया, मैं उसको डांटने गया कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, आइंदा मत करना, और उसने उसके पापा ने मेरे पापा को बोला मारूंगा वहाँ पे आके। मैं गया सीधा मारने गया, और तो उसका दरवाज़ा बंद था, सही बताऊँ तो, मैं बताता हूँ वो कौन सा घर है। और उसका दरवाज़ा बंद था, मेरी दादी ने लड़ा उससे, मेरा सही बताऊँ तो बहुत दिमाग ख़राब हो रखा है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा अच्छा है मूड मेरा, क्योंकि इतनी सारी पतंग है तुमको अब दिखाता हूँ, अहमदाबाद की पीक लेवल की, जो काइट फेस्टिवल हो पीक लेवल का तुम्हें दिखाता हूँ। देखो लाइक ये देखो तुम, पूरा आसमान भरा है, पूरा का पूरा आसमान, इसे बोलते हैं अहमदाबाद का पीक लेवल काइट फेस्टिवल, पूरा आसमान भरा है। मैं तुम्हें सही बताऊँ तो तुम पता है, देखो मैं क्या बता, और जो घर था वो ये वाला है, शायद से तुमने नोटिस किया होगा, ये वाला घर दिख रहा है, ये सीमेंट वाला, इसी घर की बात कर रहा हूँ। और वो सब छोड़ो, बाय द वे तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि तुम जो भी इन रियल लाइफ देखते हो वो तुम कभी भी एक वीडियो में नहीं देख सकते, और तुम्हें उस चीज़ को देखने के लिए अपनी आँखों से ही उसको देखना होगा, तभी तुम कुछ देख सकते हो, वरना फिर तो तुम्हें 1080p के साथ ही जाना होगा। मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p में, लेकिन फिर भी तुमको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा होगा, मैं बात मानो। और कसम से यार बहुत मज़ा आया आज, आज मेरी ये उत्तरायण बहुत मेमोरेबल रहेगी, क्योंकि मैंने एक तो देखो अपनी 14 ईयर्स की एज को क्रॉस करने के बाद अपने इस चैनल पे फर्स्ट ब्लॉग डाला है, ये मेरा चैनल पर फर्स्ट ब्लॉग है, और आई एम ग्रेटफुल कि मैंने इस ब्लॉग को डिसाइड किया, प्लान किया इस ब्लॉग को बनाने का। थोड़ी मेहनत लगी क्योंकि मेरे को कभी हैबिट बनी नहीं, छोटे पे बनी थी हैबिट, बट अभी मेरे बनी नहीं हैबिट, मैं थोड़ा सा शाई बंदा हूँ तुमको अगर पता ना हो तो, मैं कैमरे के सामने थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, अनकम्फर्ट हो जाता हूँ, लेकिन अब उस अनकम्फीनेस को मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मेरी नहीं है, मेरी दिक्कत नहीं है, इंडिया में ऐसे हर लोग हैं, सब लोग ऐसे हैं, जो अगर तुम जैसे कि ब्लॉगिंग कर रहे हो या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो कैमरे के सामने, तो वो देखना बनता है, सब देखते हैं, और मुझे बड़ा बेकार लगता है जब देखते हैं तो। ओ रुको, हुआ भी देश, हुआ भी देश, और बहुत अच्छा लगा मुझे इस उत्तरायण, बहुत मज़ा आया, अभी मैंने छुट्टी दी उसको,
इसलिए मैं बोल रहा था। और आई होप कि ये मेरी लास्ट क्लिप ना हो, और हो सकता है ये मेरी लास्ट क्लिप हो, तो अभी के लिए बाय बाय। हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लिप शूट करूँ, सो बाय बाय। और हाँ, मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि अभी ये व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। मैं इस व्लॉग को दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, ताकि मेरी भी जो मेरा भी जो लोड है वो डिवाइड हो जाए। कल का डे टू मैं शूट करूँगा, आज का डे वन था, और डे टू में और मज़ा आए ये मैं होप कर रहा हूँ। आज तो मेन दिन था वैसे, कल लास्ट दिन है, संडे है, और बहुत मज़ा आने वाला है भाई, मेरी बात मानो, बहुत मज़ा आएगा। होप तो यही है यार कहीं। ओके ओके, बहुत मज़ा आएगा कल। वेट फॉर द व्लॉग। और देखो, मैंने एक स्केड्यूल कर रखा है, जो मेरा इंट्रोडक्शन व्लॉग है वो मैं अपलोड करूँगा मंडे को, और ट्यूसडे को मैं डे वन का अपलोड करूँगा, वेंसडे को मैं डे टू ऑफ उत्तरायण को अपलोड करूँगा। तो एक स्केड्यूल सा है। देखो, मैं ना ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तीन व्लॉग बनाना चाहता हूँ एक बार में। मैं इस चैनल पर मैं तीन व्लॉग बनाऊँगा, एक व्लॉग मैंने पहले बना लिया है, और दूसरा व्लॉग अभी बना रहा हूँ, तीसरा व्लॉग मैं कल बनाऊँगा। और एक मेमोरी रहेगी यार, मतलब एक ही व्लॉग नहीं बनाया, तीन व्लॉग बनाया, ठीक है। सो बाय बाय गाइस। और ये देखो, मेरा पेट ऊपर आ गया है, बेचारा आज बहुत नाराज था तो ऊपर आ गया है। तो ये मेरा डॉगी है, इससे रहा नहीं गया, ये हमसे बहुत प्यार करता है ऑब्वियसली। सो ये आ गया हमारी छत पे, यहाँ से आ गया, और फिर मेरा भाई ने वो तो नेट सा तो उस पर रखा था, लेकिन हम ना इसको कैद नहीं करना चाहते, इसकी हैबिट डालना चाहते हैं ऊपर आने की, वरना फिर ये आएगा नहीं। पहले भी आता था, लेकिन इसकी हैबिट छूट गई थी, क्योंकि ये मेरा ये जो भाई बैठा है ना, ये यहाँ पे ये नेट रख देता था, और ये जो लड़की है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा ये परेशान करती है मुझे, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान करती है ये, मेरे भाई से ज़्यादा ये परेशान करती है। ये अंकल है ना उनकी बेटी, और वो बहुत क्यूट बेटी है, वो बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। और सो बाय बाय गाइस, ये हो सकता है ये लास्ट क्लिप ना हो मेरी। मैंने बोला था कि एंड हो रहा है ना, ना हम लोग अभी जा रहे हैं बैंटी, एंड अभी जो भैया है ना, ये देखो ये भैया हमको बैंटी ले जा रहे हैं, और ज़्यादा भी खेल सकते थे, लेकिन ट्रैफिक है, मज़ा आ रहा है। और अभी हम लोग मैगजी जा रहे हैं खाने, यही KFC वाले रूम में, जहाँ पे KFC का भी रेस्टोरेंट, और इधर भी यार मिलियम जोश भी जहाँ पे आ गए, गाठिया शायद से निकल गया, शायद से निकल गया, हाँ निकल गया। और अभी मोटेरा के अंदर आ गए हम लोग, एंड ये तपोवन सर्कल आ चुका है हमारे सामने, ये रहा तपोवन सर्कल, लेफ्ट में लेना है, एंड हेयर वी गो, मिलता हूँ आपसे मैकडी में, बाय बाय। सो गाइस, हेयर वी आर एट द मैकडोनल्ड्स। अभी भैया ने, हाँ अभी भैया ने 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भाई जो भगाई थी ना, कसम से जो भगाई थी, मेरे बालों से पता चल रहा होगा, लाइक अभी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगा के लाया, ओह शिट, अभी लाए हैं भगा के। और देखते हैं क्या लोगे, दो मील है, कौन 214, आप तो खाते नहीं हो चिकन, तो ले कुछ लेना पड़ेगा, 213 बड़े नंबर 213। तो अभी डिसाइड कर रहे हैं कौन सी मील लेनी है, कॉम्बो लेना और होगा, पूछते हैं सर। तो भैया ले रहे हैं, मैं आलू टिक्की बर्गर, और मैं ले रहा हूँ चिकन बर्गर, जो कि मेरी फेवरेट मील है, चिकन मुझे बहुत पसंद है, अगर तुम लोगों को ना पता हो तो, आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ चिकन, आई लव चिकन, या चिकन क्या। तो भैया ने मीडियम मील ली है आलू बर्गर्स की, महाराजा मैक की, और मैंने ली है चिकन बर्गर लिया है, बस कोई मील लिया नहीं। तो मिलता हूँ आपसे मील के साथ, चिकन बर्गर है, ये मेरा चिकन बर्गर है, ये भैया के फ्राइज हैं ये, और ये शिक्षक बैग लिया है लोगों ने, शिक्षक बैग मैंने मांगा था, शिक्षक बैग 15 रुपीज़ का है, पर वर्थ इट है, मुझे फ्राइज विदाउट शिक्षक बैग को बिल्कुल पसंद नहीं। और ये है मेरा भैया, ये मेरा भैया है अभी, ये भैया एक्चुअली सोलर डिज़ाइनिंग में है, तो एक इंजीनियर है, तो हाय करते हैं, हाय। ये भैया लाए
90 किलोमीटर स्पीड पे हम लोग अभी आए हैं और मेरे बाल से पहले चल रहा होता है और थोड़े मजे करता हूँ आप तो बाबा ये है मेरा चिकन बर्गर है ये मेरा वाला और ये भैया का बर्गर है भैया बोला थोड़ा सा इसमें टेस्ट करेंगे तो यार और ये शेक शेक बैग में हमारे फ्रेंच फ्राइज और अब मैं चैन से खा लेता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत टेंशन हो रही है ब्लॉग की एंड लेट मी इन्जॉय गाइस आज बहुत मज़ा आया बहुत मज़े किए हम लोगों ने और इतना कहना चाहूँगा कि आज का दिन यही ख़त्म होता है और साथ से साथ के अरे आज का दिन ख़त्म होता है और साथ ही साथ ब्लॉग भले दिन ख़त्म ना हो लेकिन ब्लॉग आज ख़त्म होता है और एंड भी कहाँ कर रहा हूँ देखो ट्रैफिक में बाइक के ऊपर एंड बाय बाय गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में बाय बाय।